लेवल के ऊपर से जा रहे हैं तब पानी चल रहा है, जब लेवल के ऊपर से नहीं जाएगा जब तो आपको पंपिंग नहीं करनी पड़ेगी। बंद हो गया रेंट पानी नहीं आएगा जी। तीन दिन पहले जिस तरीके से मारकंडा ओवरफ्लो हुई है और उसका पानी शाहबाद की आबादी एरिया में आज भी 2 से 3 फीट तक खड़ा है, यहाँ पर इमिडिएटली कैसे हेल्प पहुँचाई जाए उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। मैंने भी सेक्टर और जो आसपास के आबादी एरिया है उसको देखा है और आदेश दे दिए है कि इमिडिएटली जो यहाँ पर 2 वीटा की और मॉडर्न डेयरी है वहाँ से दूध की सप्लाई, लोगों के लिए पीने का पानी और ड्राई राशन घरों तक पहुँचाने का काम करे। उम्मीद है पिछले 24 घंटे में 1 से 1.5 फुट पानी उतरा है और अगले 24 घंटे में बचा हुआ पानी भी उतरेगा। जहाँ पंप सेट की ज़रूरत है 8 पंप सेट मुहैया करा दिए गए हैं, बचे हुए एरिया के अंदर भी जल्द से जल्द पाइपलाइन के तहत पानी निकाला जाए। सर जिस पहली बार है कि शाहबाद के आबादी एरिया में पानी पड़ा है और इसका कारण है कि पीछे माड़ा के अंदर जहाँ ओवरफ्लो हुआ मारकंडा में वो पानी क्योंकि डाउनग्रेड आया है तो यहाँ पर आया है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के लोकल लोगों ने भी खूब सहयोग दिया, हज़ारों की तादाद में गांव के ट्रैक्टर भी आकर शहर के लोगों की मदद कर रहे हैं और उम्मीद यही कर सकते हैं कि ऊपर हिमाचल में अगले 2 दिन अगर बारिश नहीं होती तो हम इसको पूरा ड्राई अप करते हैं। पानी से सारे हरियाणा से जो अब तक रिपोर्ट आई है लगभग 1.25 लाख एकड़ एग्रीकल्चर लैंड में पानी पहुँचा है, उसकी रिपोर्ट मंगा ली गई है। जैसी रिपोर्ट आएगी रीइंबर्समेंट तो कर दे। 216 करोड़ रुपया SDRF के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर दिया है, फंड्स की कमी नहीं है। अब तो ये है कि ऊपर हिमाचल से पानी ना आए, पानी जैसे ऐसे लेवल्स डाउन होंगे मुझे लगता है हम इस पूरे एरिया में हमने मॉडर्न डेयरी बीटा को भी ड्यूटी लगा दी है कि दूध भी पहुँचाए और साथ में ब्रेड और इस तरह का ड्राई राशन भी। मैं तो चाहता हूँ सामूहिक तौर पर और जितना ज़्यादा पानी नहीं आएगा जी। नहीं निकले